जैसे कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि एमआईएम जो कैंडिडेट है राणा रणजीत सिंह, वो पहुंचे हुए हैं ढाका के अंदर, सीवर संसदीय क्षेत्र का जो ढाका एक मेन मार्केट है। और ढाका जो कि अगर बात करते हैं तो प्रॉपर चैनपुर ढाका जो कि वार्ड नंबर 13 होगा, उसके बाद से यहाँ पर वो पहुंचे हुए वो चैनपुर ढाका के अंदर। और यहाँ पर खास तौर से उनका एक वेलकम किया गया, स्वागत किया गया नौजवानों के द्वारा। अगर हम बात करते हैं एमआईएम पार्टी की, तो देखिए ढाका और शिवर और मोतिहारी के अंदर के युवाओं के अंदर काफी ये सक्रिय पार्टी हो रही है, और लोग मतलब के युवा लोग जितने युवा है वह सभी काफी पसंद कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए राणा रणजीत सिंह को युवाओं के द्वारा मतलब यहाँ पर बुलाया गया था और इनको सम्मानित करने का काम किया गया। और ये भी चैनपुर ढाका के अंदर, और देखिए रात का समय हो रहा, लगभग अभी 10 बज रहा है, तो देखिए कितनी मेहनत करनी होती है, रात 9-10 बज रहे होते हैं, फिर भी लोगों से मिलना, जो लोग जहां बुलाते हैं वहां जाना होता है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत मेहनत वाली काम है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि सब लोग जिम्मेदारी उठाए अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने इलाके में। खास तौर से यहाँ पर जब भाषण उन्होंने दिया, भाषण किया, लोगों से अपील की राणा रणजीत सिंह जो कि एमआईएम के कैंडिडेट है शिवर संसदीय क्षेत्र से, और उन्होंने क्या कि अब समय बहुत कम बचा हुआ है और इसमें मतलब हम सबको मिलकर काम करना है। ऐसा नहीं कि हम अगर जिस जगह पहुंच नहीं सके तो वहां पर मतलब कुछ काम ना हो, तो हो सकता है कि कुछ एरिया छूट जाए, क्योंकि जब सांसद का चुनाव होता है तो एरिया बहुत बड़ा होता है और हर जगह पहुंचना थोड़ी सी मुश्किल वाली एक काम हो जाती है। तो अगर जहां मैं पहुंच ना सकूं या मेरी टीम नहीं पहुंच सके, तो ये नौजवानों की जिम्मेदारी होती है। और ये नौजवान जितने भी लोग हैं वो खुद पे जिम्मेदारी ले के अपने क्षेत्र में, अपने इलाके में लोगों को समझाए, अपने पार्टी के बारे में समझाए और अपने पार्टी के लिए वोट डालने की अपील करे। मतलब पतंग छाप ओवैसी साहब की पार्टी जो कि एआईएम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसका फुल फॉर्म नाम है, लोग एमआईएम के नाम से जानते हैं। और मतलब बेसिकली कहा जाए तो नौजवान जो होते हैं, क्योंकि देश में नौजवानों की ज़्यादा आबादी है और नौजवान जो है इसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बुजुर्ग भी पसंद कर रहे हैं, हर तबके के समाज के लोग इनको पसंद कर रहे हैं। और मतलब कि रात के अंधेरे में देखिए कि लोग है आराम करते हैं, फिर भी ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, और रात के अंधेरे में लोग जितने भी वोटर हैं उनके जनता मालिक है उनके पास जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि यह क्षेत्र का जो एरिया जो बहुत बड़ा होता है, संसद का जब चुनाव होता है सांसद का, तो बहुत बड़ा चुनाव एरिया होता है, तो लोगों तक पहुंचना एक बहुत चुनौती वाली बात हो जाती है। और हर मुमकिन कोशिश करता है जो भी कैंडिडेट हो कि हम हर जगह पहुंच पाए, हर कैंडिडेट मतलब हर एरिया, हर कस्बा, हर ब्लॉक लेवल पर हम पहुंच सके। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद चैनपुर ढाका के बाद इन्होंने जैसे कि सरठा, उसके बाद शहर बहलोलपुर, गम्हरिया, ऐसे बहुत सारे गांव हैं जो कि इन्होंने आज के दिन कवर किया है। और यहाँ पर लोगों से मिलना जुलना और लोगों को अपने अपने पक्ष में वोट डालने के लिए अपील करना, लोगों से मिलना, प्यार मोहब्बत वाली बातें करना, और कहीं ना कहीं ये दर्शाता है, क्योंकि इनके पूर्व में इनके पिताजी यहाँ से सांसद रह चुके हैं और थोड़ी बहुत इनको ये भी फायदा हो रहा है कि लोग इनको जानते हैं। जैसे लोगों को पता चलता है कि सीताराम बाबू के ये लड़के हैं, तो लोग इनको मान सम्मान भी देते हैं। और वो पूर्व में कुछ यहाँ से काम भी किए हुए हैं और सांसद का उनका चेहरा भी था, जो कि एक अच्छे लीडर थे। और अच्छे लीडर होने के वजह ये थी कि वो काम करते थे, क्षेत्र में रहते थे, लोग उनको अच्छे से पहचानते थे और आरजेडी के सिंबल पर वो लड़ते थे, और आरजेडी के जो कि एक बड़े नेता के तौर पर वो उभरे हुए थे, और शिवर संसदीय क्षेत्र के काफी बड़े नेता में उनकी गिनती होती थी। तो ये जो कि राणा रणजीत सिंह डोर टू डोर जैसे बोल सकते हैं, उसके बाद से हर गांव, हर कस्बे, हर मोहल्ले, हर ब्लॉक लेवल पर ये घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। तो ये मेहनत है जो कि चुनाव परिणाम जो भी आ, चुनाव का परिणाम जो भी हो, लेकिन जो मेहनत होती है, जो जज्बा होता है, वो लोगों को दिखनी चाहिए कि हमारा जो कैंडिडेट है, हम जिसे वोट करने वाले, हम जिसे लाना चाहते हैं अपने क्षेत्र में, उसने कितना मेहनत किया, लोगों तक कितना पहुंचने का कोशिश किया और कितने लोगों तक तो उन्होंने पहुंचा है, और किस लेवल पर वो मतलब ब्लॉक लेवल पर। बहुत से ऐसे नेता है जो कि ज़्यादा वो मेहनत नहीं करते, वो आसानी के साथ जीत भी जाते हैं, जैसे कि मैंने और भी वीडियो में बता रखा है। लेकिन ये पार्टी जो है, जीत हो या जो भी नतीजा हो, रिजल्ट जो भी हो, लेकिन आपके बीच में रहने का काम करेंगे राणा रणजीत सिंह। और इस पार्टी का यही रूल होता है कि जो भी नेता होते हैं वो आपके बीच में ही रहते हैं, और जो कि लोकल कैंडिडेट होता है उन्हीं को
टिकट दिया जाता है। और इन्होंने ये भी खुल कर कहा कि जितने भी हैदराबाद से टीम या मुंबई महाराष्ट्र से, जो कि इम्तियाज जलील साहब का भी लगभग 13 मई को चुनाव होने वाला है, तो जितने भी बड़े बड़े नेता एमआईएम के, वो सभी ढाका की धरती पर, शिवर के जमीन पर आने वाले हैं और आप लोगों से मिलने वाले हैं और उनका कुछ प्रोग्राम लगेगा, तो वो शेड्यूल अभी आपको बता दिया जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी यहाँ प्रोग्राम लगने वाला है, वो सब के बारे में भी डिटेल्स में बताया और बोला कि आप लोग हर तरीके से तैयार रहे और लोगों को तैयार करें, बुजुर्गों को समझाए, नौजवानों को समझाए, महिलाओं को समझाए अपने पार्टी के लिए। तो ये सब इन्होंने कहा कि सबको जिम्मेदारी दी गई, सब अपने अपनी जिम्मेदारी उठाए और अपनी जिम्मेदारी पर काम करे, ताकि वक्त बहुत कम बचा हुआ और काम बहुत ज्यादा करना है, इसलिए लोगों से मिलना जुलना भी काम जो है बहुत तेजी के साथ चल रहा है। और राणा रणजीत सिंह जो कि एमआईएम टिकट से शिवर संसदीय क्षेत्र के, भारी मतों से लोगों का कहना है कि यहाँ से जीतने वाले हैं और रिजल्ट जो भी हो देखा जाएगा 4 जून के बाद, लेकिन लोगों का प्यार, स्नेह देखकर उन